दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी स्मूदी फॉर वेट लॉस की रेसिपी, जो इतनी आसान है कि झटपट मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और इतनी मजेदार है कि अगले 3-4 घंटे तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। और तो और ये है सिर्फ 164 कैलोरीज और साथ में इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर तीनों की मात्रा है भरपूर। तो इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। वेलकम टू माय किचन डाइट रेसिपीज बाय नताशा मोहन। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक खाली बोल में 20 ग्राम ओट्स। अब ओट्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आजकल आपको तो पता ही है लोग अपनी हेल्थ को लेके कितने चिंतित रहते हैं, और कार्ब्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी गई हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एक बड़ा ही अच्छा मिश्रण है, जो कि कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर तीनों की मात्रा में ही सीमित है, ताकि ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सके। और तो और ये ग्लूटेन फ्री है, साथ में वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ग्रेन्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और फिर हम डाल देंगे 4 ओवरनाइट सोक्ड यानी कि भीगे हुए बादाम। अब बादाम होता है विटामिन ई में रिच, और तो और इसके अंदर होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी और जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर सिनेमन पाउडर, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, साथ ही आपकी एपेटाइट को भी कर्ब करता है। और हम डाल देंगे इसके अंदर आधा ग्लास गर्मा गर्म पानी, गुनगुना नहीं, गरम गरम। इसको हम सोक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। बस इसको सोक करते ही हम देखेंगे कि ये जो पानी और ओट्स अभी अलग अलग दिख रहा है, एक मिश्रण सा बन जाएगा। ओट्स होता है सॉल्युबल फाइबर में रिच, जिसके अंदर बीटा ग्लूकन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है कोलेस्ट्रॉल, बीपी या फिर शुगर के पेशेंट्स के लिए। अब ये देखिए, ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो गया है ओट्स। अब जैसे ही ये मिश्रण हमारा थोड़ा सा फूल जाएगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक ब्लेंडर में। और आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा एक गाढ़ेपन पे आ चुका है। पहले ओट्स और पानी बिल्कुल अलग अलग था, अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। आज की रेसिपी की खास बात ये है कि ये एक हाई फाइबर ग्लूटेन फ्री वीगन रेसिपी है, जो कि हाइपरटेंशन, बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और तो और ये एक लैक्टोज फ्री रेसिपी है, जो कि कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाने में बहुत मदद करती है। और फिर हम ले लेंगे एक केला, ये है एक राइप बनाना। आपने तो सुना ही होगा, अगर आपको अपने शरीर को पोषण देना है तो कम से कम दिन में 3-5 टाइम फ्रूट्स खाना ही चाहिए। लेकिन बनाना एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें सारे गुण मौजूद हैं, तो इसको आप दिन में जरूर ले सकते हैं अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं और एक केला आपको पूरे दिन में अलाउड है। ये बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट स्मूदी फॉर वेट लॉस की रेसिपी है, लेकिन आप चाहें तो इसको एज ए लंच या फिर डिनर ऑप्शन भी ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को PCOS या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो इसका सेवन तभी करें जब सारे दिन में वो बैलेंस्ड मील्स खा रहे हों। फिर हम डाल देंगे चंद बर्फ के टुकड़े और नॉर्मल पानी। फिर हम इसको बंद करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्लेंड इतना तक करेंगे कि ये अच्छे से फ्रॉथी हो जाए और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। दोस्तों ये जो रेसिपी है ये बहुत ही हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और तो और कार्ब्स की मात्रा से भी भरपूर है। तो ऑल इन ऑल ये है एक विनर रेसिपी, और अगर आप इसको नाश्ते में लेंगे तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगले 3-4 घंटे तक आपको भूख भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा। ये उन लोगों के लिए खास करके बहुत अच्छा है जो कि ऑफिस गोइंग है और सुबह सुबह नाश्ता बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो बस देखते ही देखते हमारी स्मूदी बनकर है तैयार, और इतनी शानदार स्मूदी बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप तो इसको जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया है, अगर आपने समझ लिया है तो आप जान जाएंगे कि इसके अंदर कितने सारे गुण और पूरी तरह से पोषण मौजूद है। और फिर हम डालेंगे आखिरी में, जैसे तड़का होता है ना दाल के लिए, वैसे इस स्मूदी के लिए है चिया सीड्स का तड़का। अब चिया सीड्स हम सिर्फ भीगी हुई ही लेंगे, ये है हाई फाइबर और हाई प्रोटीन कंटेंट से लोडेड, और तो और ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करती है।
जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने स्मूदी में डाले हैं वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा और आपको फुलनेस की फीलिंग देगा, ताकि लंबे समय तक आपको भूख भी ना लगे। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपकी ये डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ, सब चीज को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो ये स्मूदी तो ट्राई करनी बनती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी।